और वृंदावन से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही जन्मभूमि से अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। वैसे तो हमने दर्शकों को बताया कि जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, उसकी रौनक हर तरफ देखने को मिलती है, लेकिन मथुरा की बात थोड़ी अलग है। चाहे यहां पर हम होली की बात करें या फिर जन्माष्टमी की बात करें, हर गली में हर घर में एक ही स्वर सुनाई पड़ता है, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कैसा माहौल आप देख पा रही हैं? बिल्कुल अमित, और देखिए मथुरा में जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 7 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन अभी से ही यहाँ पर लोगों की धूम काफी ज्यादा देखी जा रही है। हर तरफ राधे कृष्ण के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, तस्वीरें काफी ज्यादा भव्य है। देखिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो जन्माष्टमी मनाकर ही अपने घर वापस लौटेंगे। ये देखिए गेट नंबर 1 है, और आज दिन भर यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि दिन भर जो कपाट है वो खोले रखे गए हैं और आज और कल के लिए, और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। ठीक अगर आप उस तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बाजार है वो सजकर तैयार हो चुके हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, और इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात अमित यहाँ पर ये कि इस बार की जो थीम होगी वो चंद्रयान 3 की तर्ज पर रखी गई है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस होगी उसका नाम प्रभास रखा गया है और प्रज्ञान रखा गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं वो भी ठीक उसी तर्ज पर की जा रही है, और यहाँ पर अगर झूला मेले की बात अगर हम करें तो उसका नाम भी इसरो चीफ के नाम पर रखा गया है। और जरा इधर आप नजर डालिए, यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। अमित, आपको याद होगा कि पिछली बार यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी, हालांकि दोबारा ऐसा ना हो इसको लेकर इंतजाम काफी ज्यादा कड़े किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछली बार यहाँ पर 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, और इस बार ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि रिकॉर्ड पिछले साल का भी टूटेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी यहाँ पर जोरों पर की गई है। ऐसे में जो बाजार है वो काफी ज्यादा गुलजार है, हालांकि सजावट भी यहाँ पर की गई है, लेकिन जो सजावट है वो अंधेरा होने के बाद ही काफी खूबसूरती से दिखाई देगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये एक दिन पहले की तस्वीरें हैं, और कल का दिन बहुत मनोहारी दृश्य नजर आता है। अमनदीप, आप शाम का जिक्र कर रही हैं, शाम होते ही जब यहाँ पर लाइटें जलती हैं तो वो दृश्य हर किसी के मन को मोह लेता है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि पिछली बार 50 लाख श्रद्धालु आए थे, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, और बहुत स्वाभाविक है कि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जाए, क्योंकि बात सिर्फ जन्माष्टमी की नहीं है, बात जन्मोत्सव की है, यहाँ उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं वृंदावन, जहां से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आमतौर पर वृंदावन में वीकेंड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, न सिर्फ मथुरा के आसपास के जिलों से लोग पहुंचते हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए। अब जबकि जन्माष्टमी का मौका है तो यहां पर आने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान यहां पर तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए अमित, राधे राधे की गूंज यहां पर चारों ओर है। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के सामने हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, इन तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और चारों तरफ ये सभी लोग सिर्फ राधे राधे की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। सिर्फ बांके बिहारी और राधे राधे की गूंज है, हर कोई पूरी तरह प्रफुल्लित है, जोश में है, और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने कान्हा के लिए, कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए। बांके बिहारी की यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और आपको बता दें कि 4:30 बजे प्रेम मंदिर के कपाट खुलेंगे, और अभी 3:30 बजे से ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन अभी 45-45 मिनट का वक्त बचा हुआ है, उससे पहले ही लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं, और हर कोई चाहता है कि जन्माष्टमी के मौके पर अभी से जो है यहाँ पर जगह बना ली जाए। होटल्स पूरी तरह बुक है, कहीं भी कोई रूम्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से G20 को लेकर के 8, 9 और 10 की छुट्टी, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के जो लोग अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं वो इन छुट्टियों के मौके पे मथुरा आगरा के प्लान बनाए हुए हैं, ताकि जन्माष्टमी का पर्व वृंदावन में मथुरा में बनाया जा सके, और इसको लेकर गजब की फीलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिलाएं हमारे साथ हैं, मैडम किस तरीके का उत्साह देख रही हैं आप जी? कितना उत्साह इस बार जन्माष्टमी? बहुत ज्यादा। हम ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मथुरा आएंगे, वृंदावन आई है, दर्शन हो गए? भाई साहब आप क्या कहेंगे? मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं वेट कर रहा हूँ दर्शन के लिए, प्रभु मुझे दर्शन दे दे, राधे राधे। जन्माष्टमी का पर्व कैसे देख रहे हैं इस बार आप? बहुत
बहुत बढ़िया, धूमधाम से मनाएंगे जन्माष्टमी। आप कहाँ से आए? हम यूपी से आए हैं, बाराबंकी से, कर से आए हैं दर्शन करने के लिए। आज शाम को दर्शन करके फिर वापस जाए। देखिए तमाम लोग आए हुए हैं। भाई सब कहाँ से आए? गुजरात में आया है। गुजरात से आए हैं जन्माष्टमी पर दर्शन करने के लिए। दर्शन करे राधे कृष्ण आना। राधे कृष्ण का, आप बताइए कहाँ से आए? मोरबी से। मोरबी से आए, दर्शन होगा नहीं हुए? नहीं बाकी है अभी। जन्माष्टमी पे आए दर्शन करने के लिए? जन्माष्टमी। आप भाई साहब? सर हम एमपी से आए हैं, मंदसौर से। क्या लग रहा है दर्शन जन्माष्टमी पे करने के लिए आए? तो रहा है बहुत ही अच्छा दृश्य। अब कपाट खुलेंगे तो फिर देखेंगे कैसा हुआ। कैसी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको बताओ? व्यवस्था भी अच्छी लग रही है, थोड़ी धूप तो है पर इंतजार कर रहे हैं 4:30 बजे का खुलेंगे गेट। देखिए अमित ये उत्साह ये जोश है, बहुत सारे लोग हर हर राधे राधे, ये यहाँ का जोश है जो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चाहे प्रशासनिक कमरे की बात करें, चाहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बात करें, सब लोगों ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठा। ये उत्साह बता रहा है अनुपम, ये उत्साह बता रहा है कि इन श्रद्धालुओं का इंतजार किस कदर इनको बेचैन कर रहा है कि कब यहाँ पर कल 7 बजे 7 दिसंबर की अगर हम बात करें रात के 12 बजेंगे और कान्हा का जन्म होगा और इनका इंतजार समाप्त हो जाएगा।